हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस समर केयर के चौथे पार्ट के वीडियो एपिसोड में। तीखी गर्मी का मौसम स्किन के अलावा बालों के लिए भी कई चैलेंज लेकर आता है और इससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय अपनाने चाहिए और यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगी बालों को गर्मी से बचाने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकती हैं। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपके लिए इस वीडियो में। और इस वीडियो के पहले भाग में हमने बात की थी शरीर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट में हमने बात की थी स्किन केयर की और थर्ड पार्ट में हमने बात की है कि आपको इन गर्मियों में कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे विषयों के बारे में विस्तार से। और अगर आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। दरअसल तेज धूप शरीर त्वचा के साथ बालों के लिए भी नुकसानदायक है। अगर टाइम पर बालों को प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो बाल बेजान हो सकते हैं। ऐसे में बालों की सुरक्षा के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे सबसे पहला उपाय यह है कि आपको बालों को कवर करना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय बालों को अच्छे से कवर करें और सीधी धूप और धूल से बालों को बचाएं। बालों को पसीने के चिपचिपाहट से बचाने के लिए इन्हें टाइट ना बांधें और पसीना अच्छी तरह सुखाएं। बालों को रेगुलर धोएं भी। धूप के असर से बालों को बचाने के लिए हैट और कैप भी पहनें। इनकी इतनी वैरायटी है कि आप इनसे डिफरेंट स्टाइल स्टेटमेंट भी बन सकती हैं। और दूसरे उपाय के तौर पर सन प्रोटेक्शन सीरम लगाएं। धूप में निकलने से पहले सन प्रोटेक्शन सीरम जरूर लगाएं। ब्यूटी एक्सपर्ट के मुताबिक हेयर समर प्रोटेक्शन सीरम लगाने से बालों को पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। धूल और धूप से बाल बेजान हो जाते हैं, जिससे डैंड्रफ, खुश्की, खुजली, इन्फेक्शन और दो मुंहे बाल जैसी परेशानियां हो जाती हैं। ऐसे में ये सीरम इन्हें नमी देकर बेजान होने से बचाते हैं। तीसरे उपाय के तौर पर आपको कूल कलर बालों पर कराना चाहिए। हेयर कलर अगर आपको कराना है तो समर्स में कूल शेड्स का यूज करें। वायलेट, ब्लू वायलेट, ब्लू, ब्लू ग्रीन और ग्रीन वगैरह इस सीजन में आपको कूल लुक देंगे। दरअसल इनके साथ मिलकर एक मिक्स कलर तैयार किया जाता है जो बालों पर कंडीशनर की तरह काम करता है। ये समर में बालों को लाइट और कूल रखते हैं। चौथे उपाय के तौर पर आप हेयर स्पा कराएं। धूप से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई तरह के हेयर स्पा मार्केट में मौजूद हैं। 15 से 20 दिन में एक बार हेयर स्पा लेने से बालों को हुए नुकसान को आप काफी हद तक रिकवर कर सकती हैं। और पांचवा उपाय यह है कि रेगुलर आप अपने बालों को वॉश करें। आपके बाल चाहे शॉर्ट हेयर हो या लॉन्ग, कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 3 बार बालों को अच्छे से धोएं। बालों को अच्छे से धोने का मतलब है महंगे शैंपू या कंडीशनर का यूज नहीं करना है, बस आपको अपने बाल साफ करने चाहिए। छठा उपाय जो आपको अपनाना है वह है डीप कंडीशनिंग करें। तेज धूप से होने वाले नुकसान से बालों को बचाने के लिए डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। इससे डैमेज हुए बालों को नरिशमेंट मिलता है और वे हेल्दी रहते हैं। और जो सातवां उपाय आप कर सकते हैं स्वस्थ बालों के लिए वह है तनाव को दूर भगाएं। तनाव, वर्क प्रेशर और लंबी जर्नी भी बालों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए टेंशन और प्रेशर से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप लंबे सफर पर जा रही हैं तो बालों को कवर करके रखें। और आठवें उपाय के तौर पर आप बालों को केमिकल से प्रोटेक्ट करें। अधिकतर हेयर प्रोडक्ट्स में केमिकल होते हैं। शैंपू और कंडीशनर से लेकर हेयर कलर्स और स्प्रे तक तमाम चीजों में केमिकल का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए अपने लिए जो प्रोडक्ट्स चुने वो माइल्ड होने चाहिए। स्टाइलिश प्रोडक्ट कम ही यूज करें। अगर बालों में ब्लो ड्रायर, हॉट आयरन और रोलर ज्यादा यूज करती हैं तो इन गर्मियों के मौसम में इन्हें अवॉइड करें। शैंपू ऐसे यूज करें जिसमें SLS ना मिला हो और हो सके तो घर का बना शैंपू इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी सारी मेहनत पर केमिकल वाले शैंपू पानी फेर सकते हैं। और मार्केट में कौन सा शैंपू आपके इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छा है यह जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसके अलावा नौवें उपाय के तौर पर आप घर की चीजों का इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट्स ही बालों को अच्छा रखते हैं, बल्कि घर में मौजूद चीजें भी बालों के लिए अच्छी रहती हैं। जैसे यूज की गई चाय की पत्ती को थोड़े से पानी में उबाल लें, इसके ठंडा होने पर बालों में लगाएं।
हफ्ते में कम से कम एक बार इस प्रोसेस को जरूर करें। इसके अलावा खट्टे दही में चुटकी भर फिटकरी मिला लें, साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी मिला लें। इस मिक्सचर को सिर के बालों में लगाने से स्कल्प क्लीन होती है और इन्फेक्शन भी खत्म होता है। यही नहीं, इससे बालों में चमक भी आती है। बालों की शाइनिंग के लिए एग व्हाइट में नींबू डालकर आप बालों पर लगा सकती हैं। शैम्पू हमेशा माइल्ड और भरोसेमंद ब्रांड का यूज करें ताकि बालों पर केमिकल का असर कम से कम हो। अगर घरेलू ऑप्शन पर जाना है तो नेचुरल रीठा, सीकाकाई और काली मिट्टी भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और फूड में दही, छाछ, नींबू पानी जैसी लिक्विड चीजें शामिल करें। पानी भी खूब क्वांटिटी में पिए। दिन में 45 से 60 बाल गिरना आम बात है, इसलिए अगर 45 से 60 बाल तक ही आपके गिर रहे हैं तो परेशान बिल्कुल ना हो। और 10वें और अंतिम उपाय के तौर पर खुद को साफ सुथरा रखें। कोशिश करें कि गर्मियों में रोजाना 2 बार नहाएं। इससे आपका आलस तो दूर होगा ही, आपके शरीर से बदबू भी नहीं आएगी। इसके अलावा बाहर से आने के बाद अपने पैरों को गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर भिगोएं। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो आज के वीडियो में बस यही तक, और हमें उम्मीद है कि हमारी सलाहें आपके बालों को स्वस्थ बनाए रखने में आपको मददगार होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर उनसे कीजिएगा जिनकी आपको फिक्र है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।